ये कहानियाँ नाम की एक लड़की के ऊपर आधारित है जिसके शरीर में वक्त के साथ साथ बदलाव होने लगते हैं और वो धीरे धीरे एक जलपरी में बदल जाती है। इसके बाद मिया के साथ आगे क्या क्या होता है ये हम आज की एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं इस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, उसका नाम है ब्लूमी माइंड और ये फिल्म 2017 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम एक छोटी सी लड़की मिया को देखते हैं जो समुद्र के किनारे खेल रही होती है। तभी यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ सालों बाद का सीन देखते हैं। अब मिया 16 साल की हो चुकी है और वो अपने घर से स्कूल आती है। यहाँ हम देखते हैं कि मिया काफी अकेली है और उस स्कूल में उसका कोई दोस्त भी नहीं है क्योंकि हाल ही में मिया शहर में शिफ्ट हुई है और इसी स्कूल में भी आज उसका पहला दिन है। इसके बाद मिया वहाँ बैठे ग्रुप के पास जाकर उनसे बात करने की कोशिश करती है पर वो लोग उससे बात नहीं करते। अब इससे मिया काफी अपसेट हो जाती है और वो वापस अपने घर आ जाती है। घर वापस आने पर उसकी मॉम उससे पूछती है कि स्कूल में उसका पहला दिन कैसा था। अभी सुनकर मिया बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो अपनी मॉम को धक्का देकर उन्हें उसके रूम से बाहर जाने के लिए बोलती है। हम मिया की इस हरकत को देखकर उसको उसके डैड से काफी डांट भी पड़ती है। इसी बीच मिया अपने शरीर में कुछ चेंजेस महसूस कर रही थी पर उसे पता नहीं था कि वो क्या है। फिर रात को मिया पानी पीने के लिए नीचे आती है और वो पानी में बहुत ज्यादा नमक डालकर उसे पी जाती है जो कि काफी अजीब था। फिर अगले दिन स्कूल में या फिर से उस ग्रुप से बात करने की कोशिश करती है पर इस बार भी वो लोग मिया को ज्यादा भाव नहीं देते, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है। पर इस बार उस ग्रुप के लीडर छिपकली उसके पास आती है और उसे अपने साथ अपने घर चलने के लिए बोलती है। इसके बाद सभी लड़कियां छिपकली के घर पर आती है और वहां पर वो सभी साथ मिलकर मस्ती करती है। वहां पर छिपकली मिया की एक ऑनलाइन डेटिंग वेबसाइट पर अकाउंट भी बना देती है। इसके बाद छिपकली के पिछवाड़े में अचानक है और वो सभी को बोलते हैं कि क्या तुम में से कोई मेरा गला दबाएगा क्योंकि मुझे ऐसा करने में बहुत मजा आता है। अब उसकी ये बात सुनकर उसकी फ्रेंड सोचती है कि शायद ये कल रात को सर के बल गिरी है इसलिए ये ऐसी बहकी वो की बातें कर रही है। लेकिन वहाँ पर मिया उसकी चोरी शांत करने के लिए राजी हो जाती है और फिर वो छिपकली का गला दबाने लगती है। अब ऐसा करने पर छिपकली थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाती है और होश आने पर वो बोलती है कि उसे बहुत ज्यादा मजा आया। अभी सुनकर मिया के पिछवाड़े में भी चुल मचती है और अब वो भी ये सब ट्राई करना चाहती थी। फिर जैसे ही छिपकली उसका गला दबाती है तो मिया भी वहाँ पर कुछ देर के लिए बेहोश हो जाती है। अब बेहोशी में मिया को समुद्र के विषन आने लगते हैं और फिर उसे होश आने पर वो तुरंत वहाँ से निकलकर वापस अपने घर आ जाती है। फिर घर पर जब वो अपने एक्वेरियम में मछलियों देखती है तो उनको देखकर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाती है। फिर मैं लपककर एक मछली को पकड़ लेती है और वो उसे जिंदा ही खाने लग जाती है। फिर थोड़ी देर बाद जब उसे रियलाइज होता है कि वो क्या कर रही है तो वो भागकर टॉयलेट में जाती है और वहाँ पर उल्टियाँ करने लगती है। इसके बाद मैं अपनी डेटिंग प्रोफाइल खोलती है और वहाँ पर वो एक लड़के का मैसेज आया हुआ देखती है। लेकिन तभी मिया को पता नहीं क्या दौरे पड़ते हैं और काफी देर तक सोचने के बाद वो उस मैसेज को इग्नोर कर देती है। फिर अगले दिन स्कूल में मिया छिपकली और उसके फ्रेंड्स को कहीं जाते हुए देखती है और फिर जब वो उनसे पूछते हैं कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो तो छिपकली उसे बोलती है कि हम लोग शॉपिंग पे जा रहे हैं। अब मिया को भी उनके छोटे ग्रुप का हिस्सा बनना था इसलिए वो भी उनके साथ चली जाती है। फिर मॉल में वो सभी कगली लड़कियां मिल कर चीजों को चोरी करने लगती है पर तभी वहाँ पर मॉल के सिक्योरिटी ऑफिसर टन हलवाई को उन पर शक होने लगता है और वो उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे भागता है। लेकिन वो सभी कगली लड़कियाँ उसको चूतिया बनाकर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद घर आकर मैं अपनी डेटिंग प्रोफाइल खोलती है और इस बार वो उस आदमी के मैसेज का रिप्लाई दे देती है। फिर उन दोनों में चैटिंग होना शुरू होती है और थोड़ी देर तक बातें करने के बाद मिया उस आदमी को मिलने के लिए बुलाती है। फिर इसके बाद जब मिया नहा रही होती है तो वो देखते हैं कि उसके पैरों की दो उंगलियाँ आपस में चिपक गई है। अब ये देखकर मिया थोड़ा घबरा जाती है क्योंकि थोड़ी देर पहले तो उसकी उंगलियां बिल्कुल ठीक थी। तभी वहाँ पर मिया की मौत आती है और उससे पूछते हैं कि फिश टैंक में से एक मछली कहाँ पर गई। इस पर मिया उन्हें बताती है कि उसने उस मछली को टॉयलेट में फ्लश कर दिया है। अब ये सुनकर उसकी मॉम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो मिया के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारती है। अब इतना सब कुछ होने के बाद मिया डिसाइड करती है कि वो अपनी बॉडी में हो रहे हैं चेंजेस के बारे में अपनी मॉम को कुछ नहीं बताएगी। फिर अगले दिन स्कूल जाते वक्त नहीं अपने डैड से स्कूल ट्रिप पर जाने की परमिशन मांगती है पर उसके डैड उसे जाने से मना कर देते हैं जिससे मिया को बहुत बुरा लगता है। फिर उस दिन स्कूल जाने की बजाय मिया अपनी उंगलियों को दिखाने एक डॉक्टर के पास जाती है और फिर उसकी उंगलियों को देखने के बाद डॉक्टरों से बोलती है कि ऐसा होना नॉर्मल है और कुछ लोग ऐसे ही पैदा होते हैं। अब ये सुनकर मिया उसे बताती है कि पहले तो उसकी उंगलियां बिल्कुल नॉर्मल थी पर कल से ही उसके साथ ये सब हो रहा है। अब ये उनका डॉक्टर थोड़ी शॉक्ड हो जाती है और वो मिया को बोलते हैं कि हम इसे सर्जरी करके निकाल सकते हैं पर क्योंकि मिया सर्जरी नहीं कराना चाहती थी इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है। अब सिर्फ मिया के साथ ही यह सब हो रहा था इसलिए उसे लगता है कि शायद उसे अडॉप्ट किया गया है। अब इसका पता लगाने के लिए मैं अपनी फैमिली एल्बम चेक करती है लेकिन वहाँ पर वो अपनी मॉम की कोई भी प्रेगनेंसी वाली फोटो नहीं देखती।
जिससे उसका शक और भी बढ़ जाता है। फिर जब मैं अपनी मॉम से इस बारे में बात करती है तो उसकी मॉम उसे डांट कर वहाँ से भगा देती है। इसके बाद मिया उसी चैटिंग वाले आदमी से मिलने के लिए एक होटल में जाती है, पर वहाँ पर जब वो दोनों एंजॉय कर रहे होते हैं तभी वो आदमी मिया के पैर पर निशान देखता है और वो ये बात मिया को बताता है, पर मिया ये सुनते ही घबरा जाती है और वो उस कार्यक्रम को बीच में ही रोक कर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मिया सुपरमार्केट में से पट्टी लेकर घर पर आती है और खुद ही अपने पैरों की उंगलियों को काट कर अलग करने लगती है, पर ऐसा करने पर उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है, इसलिए वो उसे वहीं पर ही रोक देती है। फिर अगले दिन ब्रेकफास्ट के दौरान मिया के पेरेंट्स उसके बदलते बिहेवियर को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो ब्रेकफास्ट ऐसे कर रही थी जैसे उसे सालों से खाना ना मिला हो। इसके बाद मिया रात को क्लब जाकर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करती है और पार्टी के बाद वो छिपकली को अपने साथ रुकने के लिए अपने घर ले आती है। फिर अगले दिन छिपकली मिया के पेरेंट्स से मिलती है और वो मिया को स्कूल ट्रिप में अपने साथ ले जाने के लिए स्कूल ट्रिप के फॉर्म पर उसके डैड के नकली साइन भी कर देती है। और फिर अगले दिन मिया अपने पेरेंट्स को बिना बताए स्कूल ट्रिप पर चली जाती है। फिर ट्रिप के दौरान वो नोटिस करती है कि उसके पैर और भी ज्यादा काले हो गए हैं और वो अपने पैरों को देखकर वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। फिर बेहोशी में उसे फिर से समुद्र के विषन आने लगते हैं और फिर जब उसे होश आता है तो वो वहीं पर उल्टी करने लगती है। तभी छिपकली की एक फ्रेंड भी वहाँ पर आ जाती है और वो मियाँ के काले पैरों को देख लेती है। दूसरी तरफ मियाँ के पेरेंट्स को भी पता चल चुका था कि वो स्कूल ट्रिप पर गई है, इसलिए घर आने पर वो मियाँ को बहुत ज्यादा डांटते हैं, पर मियाँ उनकी बातों को इग्नोर कर देती है और वो सोने के लिए चली जाती है। अब मियाँ सोने की बहुत कोशिश करती है पर उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो जमीन पर लेट जाती है और वहीं पर ही सो जाती है। फिर अगली सुबह मिया देखती है कि उसके पैरों में से स्किन निकल रही है जैसे किसी मछली के शरीर से निकलती है। अब ये देखकर मिया बहुत ज्यादा डर जाती है और वो स्किन को अपने बेड के नीचे छुपा देती है ताकि उसके पेरेंट्स को इस बारे में पता न चले। इसके बाद मिया स्कूल जाती है जहाँ पर एक टीचर क्लास में एक मछली के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। अब उस मछली को देखकर मिया उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है और सभी के वहाँ से जाने के बाद वो उस मछली को कच्चा ही खा जाती है। अब उसे ऐसा करते हुए देख लेती है, पर वहाँ मिया उसे धमकी देती है कि अगर उसने इस बारे में किसी को बताया तो वो उसको नहीं छोड़ेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि मिया के पेरेंट्स कुछ दिनों के लिए घर से बाहर जाते हैं और जब मिया घर पर अकेली होती है तो वो फिश टैंक में से सारी मछलियाँ निकाल कर उन्हें खा जाती है। तभी वहाँ पर उसे छिपकली का मैसेज आता है और वो उसे एक पार्टी में आने के लिए इन्वाइट करती है। इसके बाद उस पार्टी में जाती है और वहाँ पर वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। फिर जब मिया बंद होकर एक कोने में पड़ी होती है तभी वहाँ पर उसे छिपकली चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। दरअसल छिपकली पानी में डूब रही थी और उसे वहाँ पर कोई भी बचा नहीं रहा था। तभी मिया वहाँ पर भागती भी आती है और वो पानी में कूदकर उसे बचा लेती है। इसके बाद मिया जब अपने पैरों को वापस देखती है तो उसके पैर पूरी तरह खराब हो चुके थे और वो और भी ज्यादा काले होते जा रहे थे, इसलिए मैं अपने पैरों को एक पट्टी से बांधने लगती है। अब नहीं ऐसा कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पर छिपकली आ जाती है और वो उसके पैरों को देखकर हैरान हो जाती है, फिर से वहाँ से जाने के लिए बोलती है तो छिपकली भी अपना पिछवाड़ा उठाकर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद मिया फिर से तैयार होकर पार्टी में है और वो वहाँ पर बहुत सारा नशा करने लगती है। आप ये देखकर कुछ लड़के उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, पर तभी वहाँ पर छिपकली आकर उसे बचा लेती है। अब मी इन सब से परेशान होकर वापस अपने घर आ जाती है और घर आते ही वो देखती है कि वो अपने पैरों पर ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही। अम्मी अपनी जिंदगी से परेशान हो चुकी थी, इसलिए वो एक चाकू उठाती है और उसे अपना हाथ काट कर वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर अगली सुबह जब मिया को होश आता है तो वो अपने पैरों को देखकर शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि अब उसके पैर एक जलपरी की तरह हो गए थे। मिया बहुत ज्यादा डरी हुई थी और वो किसी तरह रेंगते हुए अपने बाथटब में जाती है और पानी चालू करती है। अब पानी के अंदर होने से उसे थोड़ी राहत महसूस होती है, इसलिए वो अपने पूरे रूम को पानी से भर देती है। इसके बाद में छिपकली को कॉल करती है और उसे अपने घर पर बुलाती है। फिर छिपकली जब उसके घर पर आती है तो वो मिया की हालत देखकर शॉक्ड हो जाती है। फिर छिपकली उसे किसी तरह अपनी कार में बैठाती है और कहीं पर ले जाने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद वो उसे समुद्र के पास ले जाती है क्योंकि मिया यहाँ पर नहीं रह सकती थी। फिर समुद्र में जाने से पहले मिया अपने पेरेंट्स को फोन करती है और उन्हें सब चीजों के लिए थैंक्स बोलती है। इसके बाद वो छिपकली से कुछ देर तक बातें करती है और फिर वो समुद्र के अंदर चली जाती है। समुद्र के अंदर आते ही मिया को बहुत अच्छा महसूस होता है और कुछ इसी तरह से ये फिल्म यही खत्म हो जाती है।